नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज। आइए रुख करते हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से आ रही एक बड़ी खबर की तरफ, जहां से सैंडी गांव में लेखपालों के लिए बनाया गया जर्जर आवास कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अचानक गिर जाने से उसके नीचे दो आवारा मवेशियों के दबने की खबर आ रही है। वही खबर ये भी आ रही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद घंटों तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस बात से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि जब ये हाल राजधानी लखनऊ का है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। फिलहाल ग्रामीणों की माने तो उनके द्वारा घटना की जानकारी अपर जिलाधिकारी शुभी सिंह को सूचना दी गई, तब जाकर अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागे। वहीं दूसरी तरफ रविवार का दिन होने के चलते ज्यादातर तहसील स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से काफी देर तक कोई सहायता न मिलने पर ग्रामीणों ने स्वयं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मवेशियों की जान बचाने के लिए अपने हाथों में हथौड़े व कुदाल लेकर मलबे को हटाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद मलबे को तोड़कर मलबे के नीचे कम से आवारा मवेशियों को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के जरिए घटना की जानकारी पाकर SDM हनुमान प्रसाद मौर्य, तहसीलदार आनंद तिवारी व नायब तहसीलदार अनुपम वर्मा के साथ सैंडी चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ आनंद खानन में मौके पर पहुंचे। SDM हनुमान प्रसाद मौर्य ने मौके का निरीक्षण कर पशु चिकित्सक को तत्काल मौके पर बुलाया और अपने सामने मवेशियों का उपचार शुरू करवाया। इसके साथ ही SDM हनुमान प्रसाद मौर्य ने तहसीलदार आनंद तिवारी को तहसील क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में बने लेखपाल आवासों समेत अन्य सरकारी भवनों का निरीक्षण कर मौके की स्थिति से अवगत कराए जाने के निर्देश दिए। SDM ने कहा कि अगर कोई भी सरकारी भवन या आवास जर्जर है तो तत्काल उनकी रिपोर्ट बनाकर उनकी मरम्मत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए। यदि मरम्मत करना संभव नहीं है तो उन्हें ध्वस्त कराए जाने की रिपोर्ट दें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जानमाल के खतरे से बचा जा सके। PPN न्यूज से नवीन वर्मा की रिपोर्ट।